आज मैं एक अनोखे सफर पर निकलने वाला हूँ, बिना एक रुपये खर्च किए दुनिया घूमने। मगर क्यों? क्योंकि मैं एक चैलेंज लिया हूँ 0 रुपया में आरा जाने का। ये चैलेंज मेरे लिए आसान नहीं होंगे। मलियाबाग से आरा का डिस्टेंस 55 किलोमीटर है। इस डिस्टेंस को 0 रुपया में पूरा कर पाना मुश्किल है, मगर कोई नहीं, चैलेंज ले लिया हूँ तो इसे पूरा करके ही रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों और साथियों, कैसे हो आप लोग? चलो लोगों से बात करते हैं अपने चैलेंज के बारे में। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं फ्री में यहाँ से आरा जा सकता हूँ? नहीं, कोई चांस नहीं है लिफ्ट लेकर? आपको क्या लगता है, नहीं जा सकता हूँ ना? नहीं बैठाएगा गाड़ी। अच्छा, कोई भी नहीं बैठा सकता है? चलिए यार, ये भैया तो पहले ही निराश कर दिए, कह रहे हैं कि कोई नहीं बैठाएगा। मेरा चैलेंज पूरा होगा कि नहीं देखता हूँ। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हम फ्री में जल आरा जा सके ना? कैसे? बस वाला तो पैसा मांगे फ्री में, कुछ उपाय बात तू लोग फ्री, तू बताओ भैया। हमने भी क्या उपाय, मतलब एजा ले आ रहा जाए कहती फ्री में तो कई चैलेंज हम पूरा कर पाए, कोई फ्री में बैठा के ले जी हमारा क्या रहा? तो बस में पैसा लगी ना, मतलब पैसा हमारा नहीं इन्वेस्ट करेंगे और फ्री में आ रहा जाएगा, मतलब हम जा पाए कि नहीं बताओ? कैसे मतलब कुछ कैसे जा पाए? अरे बात तो सही है। तो ये तो बती हम पूछा था कि मतलब कोई हमारा बैठाए कि ना। एगो सवाल बा हमारा फ्री कि एजा ले हम आरा फ्री में जाए के सोचा था नहीं तो का हम फ्री में जा सके ना? मतलब 1% चांस बना कोई बैठाई ना? अगर ट्रेन से जा ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारा ऐसे यही तर जाए के बा हाईवे से धर के ना। चलिए, ये भाई लोग बोले कि 1% चांस है, देखते हुए मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा। 1% बैठाएगा ना कोई? देखते हैं, 10 आदमी को बोलूंगा तो एक आदमी तो कोई बैठा ही लेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं कि आदमी से पूछते हैं कि हमें आरा जाना है और वो मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या आप फ्री में हमें छोड़ सकते हैं? मलियाबाग से आरा का डिस्टेंस 55 किलोमीटर है। इस 55 किलोमीटर को मैं 4 भागों में बांटने वाला हूँ। पहला, यहाँ से मैं सोनबरसा जाने वाला हूँ। दूसरा, सोनबरसा से जगदीशपुर जाने वाला हूँ। तीसरा, जगदीशपुर से दुल्हिनगंज या हरिगांव जाने वाला हूँ। और चौथा, हरिगांव से डायरेक्ट आरा जाने वाला हूँ। तो चलिए, इस डिस्टेंस को मैं 4 भागों में बांट दिया हूँ और चारों भागों में देखते हैं कैसे मैं इसे पूरा कर पाता हूँ कि नहीं। तो चला शुरू करी जा। ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरा सारा गिम्बल टूट गया गिर के, बहुत कमज़ोर था यार। अब कैसे वीडियो ब्लॉग बना पाऊँगा, बहुत अफसोस हुआ। चलो देखते हैं, एक और गिम्बल होगा तो उससे बनाऊँगा। भैया कौन है कि हमारा पास पैसा नहीं है तो काम रख जग एजा सोनबरसा तक छोड़ दें फ्री में? एजा ले हो तरह के 10 किलोमीटर छोड़ दें। चैला पड़ाव पूरा होने वाला है, ये भैया पहले पड़ाव को तक छोड़ने वाले हैं, मतलब सोनबरसा तक छोड़ने वाले हैं। तो एक भैया आ रहे हैं, उनके इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आने के बाद हम इसमें बैठकर पहले सफ़र को पूरा करेंगे, यानी कि यहाँ से सोनबरसा को पूरा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ब्लॉग चैनल है MD के सफ़र, उसमें मैं चैलेंज लिया हूँ कि यहाँ से फ्री में आरा तक जाना है। तो आप लोग क्या नाम है? मेरा नाम जीतू है। आपका भैया? चंदन यादव। अच्छा, कहाँ से? UP से हैं आप लोग ना? इसमें 22 चक्का है, ये ट्रक जा रहा है, हम इसको भी ट्रक ही बोल रहे हैं, बेस्तियाँ करा दे रहे हैं इसका, ये तो ट्रेलर है भाई। सही बात है। तो हम लोग परमानपुर यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए, हाईवे से परमानपुर को हम दिखा रहे हैं और यहाँ से हाईवे पर मैं फाइनली दोस्तों हम सोनबरसा पहुँच गए हैं। और ये देखिए व्यू ऊपर से सोनबरसा का कितना। फाइनली दोस्तों पहले पड़ाव तक पहुँच गया हूँ, पहला सफ़र को कम्प्लीट किया। अब चलते हैं यहाँ से जगदीशपुर का, यहीं पे इंतज़ार करते हैं, कोई आता है तो उनसे पूछते हैं। यहीं पे 10 बज गया है, देखिए शाम तक वहाँ से आ पाता हो कि नहीं या पहुँच पाता हो कि नहीं। इस समय वेट करने के बाद यार आज धूप भी बहुत ज़्यादा ही है और वैसे भी मैं फास्टिंग से हूँ, पर क्या करूँ, चैलेंज लिया हूँ तो इसे पूरा करना ही है, इसे पूरा करके ही रहेंगे। अकेले यहाँ बैठा यार, कोई लिफ्ट दे ही नहीं रहा है, कैसे जा पाऊँगा जी? नहीं कंप्लीट होगा क्या मेरे से? हमारा छोड़ दे बका,
कहाँ तक जाते रहो? तो जहाँ तक छोड़ दो तू। चल बैठे। चलो भाई, ये भैया मिल गए हैं, ये बैठा रहे हैं और जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक छोड़ देंगे। ये रोक दिया हम लगे, तो शुक्रिया भाई तार। अरे जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक छोड़ने की बात नहीं है, अरे ये तो मुझे दूसरे पड़ाव तक छोड़ दिए, मतलब जगदीशपुर तक मैं आ गया फ्री में। अब चलते हैं यहाँ से दुल्हीनगंज यहारी गांव और उसके बाद आरा। ये देखिए जगदीशपुर हाईवे को, क्या लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे यार सच में जगदीशपुर हूँ। देखो बिहियाँ जाने वाला रास्ता है, यहाँ से बिहियाँ चले जाएंगे और इस तरफ से पियरो चले जाएंगे। देखिए धूप इतना ज़्यादा है मगर फिर भी मैं इस सफ़र को पूरा करूँगा, इस चैलेंज को कम्प्लीट करूँगा। यहाँ अब से यहाँ से अब जाने का मन नहीं कर रहा है मगर पूरा करके ही रहूँगा इसे। अरे ई का यहाँ पे 27 किलोमीटर लिखा है और वहाँ पे 25 किलोमीटर लिखा है, इतने दूर में 2 किलो बढ़ गया। यार लिखने वाले पागल हो गए क्या ये लोग? कहनी है कि हमारा पास पैसा नहीं है और जल हमारा आरा जाए के बाद फ्री में हम मलियाबाग से ऐजा तक आ गए बनी। अब ऐजा ले आरा जा पाए कि ना? बिल्कुल ही कोई बैठा ली ना? बैठा ली। चलिए इंसान ना हो। बकरी देख रहे हैं, पूरा ये बड़ा सा हाईवे है और वो इसी के डर के बिना सोया हुआ है, उसको डर भी नहीं है जरा सा। ये है अनुमंडलीय अस्पताल जगदीशपुर, बहुत पुराना है, देख रहे हैं। दुल्लौर पहुंच गया, दुल्लौर। जगदीशपुर तो आ गए, अब यहाँ से जाना मुश्किल लग रहा है भाई, कोई मिल ही नहीं रहा है ले जाने वाला। काफ़ी समय वेट करने के बाद एक भैया आ जाते हैं टेम्पू लेकर, वो आरा जा रहे थे। तो पहले तो वो बोले कि मैं नहीं बैठाऊंगा, फ्री में नहीं ले जाऊंगा, बट जब देखे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के चलते कह रहे हैं कि ठीक है आओ आओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे ये क्या, आरा के 0 माइल तक पहुंच गया। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपना चैलेंज पूरा किया, मैं आरा पहुंच गया हूं। देखिए अभी आरा मैं समिति बाज़ार में हूं, इसके बाद मैं स्टेशन पे जाऊंगा और वहां तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और नए चैलेंज के साथ। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपना चैलेंज पूरा किया और आरा पहुँच गया हूँ। देख रहे हैं आरा स्टेशन है, ये ट्रेन लगी है। चलिए अभी आरा का भी दिखाता हूँ मैं आपको, इसके बाद यहाँ से एक ट्रेन होगी कोई तो डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा विक्रमगंज। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और नए अंदाज में एक और नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय। इधर से अलाउ नहीं है तो ट्रेन के बाहर से निकल रहा हूँ, इधर से मैं जा रहा था उधर से अलाउ नहीं था तो मैं ट्रेन के बाहर से जा रहा हूँ, निकला अब पहुँचूँगा स्टेशन। चलने पर लगता है ना कितना भी पैर बढ़ाऊं लगता है कि कम ही बढ़ा रहा हूं। फाइनली दोस्तों मैं आरा पहुंच गया।